झटपट दुकान स्टोर बनाने से आपके स्टोर को हर घर तक ले जाने तक। बिग ब्लेस हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। के बाद से प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 18 जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई है। पिछले 24 घंटे से जबलपुर सहित कई हिस्सों में बारिश देखने को मिली है। वहीं राजधानी भोपाल में बादलों का डेरा देखने को मिला। मौसम विभाग की माने तो आज प्रदेश के कई हिस्सों में तेज बारिश के साथ बिजली गिरने की संभावनाएं हैं। आपको बता दें कि बारिश के चलते प्रदेश वासियों को फिलहाल भीषण गर्मी से राहत मिल रही है। वहीं मौसम विभाग ने आज मध्य प्रदेश के रीवा, सतना, सिंधी, सिंगरौली सहित दतिया में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मध्य प्रदेश में मॉनसून के सक्रिय होने से लोगों को उमस वाली गर्मी से राहत मिली है। वहीं तेज बारिश के चलते जगह जगह जल जमाव होने से लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। पिछले दो दिनों से प्रदेश के 25 जिलों में रुक रुक कर बारिश देखने को मिली है। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के कई हिस्सों में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश और आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी जारी की है। पिछले दो दिनों से मॉनसून में तेजी आने से प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में बारिश का सिलसिला जारी है। वहीं आपको बता दें कि मौसम विभाग की माने तो दक्षिण पश्चिम मॉनसून प्रदेश के ग्वालियर, चंबल संभाग के जिलों में दस्तक दे चुका है। इससे आने वाले दिनों में मॉनसून में और तेजी की संभावनाएं देखने को मिल सकती है। वहीं राजस्थान से मध्य प्रदेश होते हुए उड़ीसा तक अब बादल बन रहे हैं। एक और सिस्टम के कारण अब कम से कम 3 दिन अच्छी बारिश हो सकती है। इसका असर 14 जिलों में होने की संभावना है। बारिश के इस दौर में मध्य प्रदेश में मॉनसून अच्छी तरह सेट हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी। आपके प्रोडक्ट बेचने से आपकी सेल बढ़ाने तक बिग ब्लेस हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।